नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET PG कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रियंका दास और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिसर्च अपना PhD कर रही हूँ ज्योग्राफी में ही, और मैं आप लोग की ज्योग्राफी मेंटोर हूँ। CUET PG कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ताकि आप अपनी तैयारी कर सके, अपने ड्रीम कॉलेज में भर्ती ले सके। आपका अगर लक्ष्य है कि आपको DU चाहिए, आपको चाहिए JNU, आपको चाहिए BHU, तो ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बिल्कुल ही एक बार ध्यान देना चाहिए। पर इन सबसे पहले आपको समझना होगा हमारे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को समझने के लिए, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उस चीज़ को समझने के लिए, सिलेबस और पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस इसलिए ताकि आप लोग को एक तरीके से गाइडेंस हो कि हाँ, इस रास्ते हमें चलना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें यूनिडायरेक्शन में जाना है। तो सिलेबस के साथ पैटर्न को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम एक्चुअली चाहता क्या है, व्हाट दे एक्चुअली वांट टू लुक इनटू यू, राइट। तो इसलिए पैटर्न को समझना, हम एक एक करके साल दर साल का पैटर्न समझेंगे, हर एक टॉपिक वाइज को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हमारा अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, अभी 40% ऑफ 2999। आप बिल्कुल यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे डोमेन्स में हम लोग यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही माहिर यहाँ पे फैकल्टीज़ है आप लोग को गाइडेंस देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, मेरे को 4 से 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, और मैं काफ़ी बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, और मैं फ़िलहाल रिसर्च कर रही हूँ, और मेरे को डिप्लोमा भी है रूरल डेवलपमेंट पे भी। सो ये रही मेरी थोड़ी सी व्याख्या। अब आते हैं हम अपने एग्ज़ाम के व्याख्या को देखने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ये मोड बहुत ही बड़ा चेंज आया है, वो है कि 75 क्वेश्चंस अब सिर्फ होंगे फोकस्ड अपने डिसिप्लिन पर, हमारे सब्जेक्ट पर, एंड इट इज़ गेटिंग लाइक यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज यू हैव टू डिग डीपर। आपको समझना होगा कि अब ना सब आपके डिसिप्लिन सेंट्रिक है, तो आपको ध्यान देना होगा और भी ज़्यादा। ये रहेगा ऑनलाइन मोड पे, ड्यूरेशन 105 मिनट, मतलब 1 घंटा 45 मिनट आपके पास समय रहेगा। क्वेश्चन टाइप तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 75 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम 300 मार्क्स, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, पर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसलिए क्योंकि -1 दैट इज़ 1/4 का है देखा जाए फ्रैक्शन, तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट स्टिल वी विल गो थ्रू कि हम लोग का पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, राइट। तो करेक्ट मार्क्स के लिए 4 मार्क्स है, नेगेटिव मार्क -1 है, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 0 मार्क्स है, जिसके कोई भी मार्क्स नहीं कट रहे हैं, और मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। सो हमारा सब्जेक्ट, हम जब से पढ़ते आ रहे हैं सोशल साइंसेज में ज्योग्राफी, वहाँ पे एक ही चीज़ समझाया गया है हमारा सब्जेक्ट के लिए, जो भी हमें समझना है वो है ये कि 4W1H, चीज़ों को रिलेटिवली समझना, चीज़ों को समझना कि किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है, कैसे हम लोग के दिमाग में वो बैठ जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले तो पता है कि व्हाट, तो हमें क्वेश्चन में ही पूछा जाता है व्हाट, एक्चुअली में वो प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट क्या है, प्लेट तो वो है क्या, राइट, वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद आता है वेयर, कहाँ, वो कहाँ चीज़ है, राइट। वेयर के बाद है व्हेन, फिर व्हाई, और वो हो कैसे रहा है, और ये साइकिल चलता रहेगा, आपको समझते रहना होगा। और वो एक ना एक चीज़ ना हमेशा किसी से जुड़ा होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि ना एक तरीके से सीमेंट का काम करता है हर दूसरे और डिसिप्लिन को, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि सच में इंटर डिसिप्लिनरी है और जो सबको बांध के रखता है। सो फॉर दैट यू हैव टू नो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, जिसको हम हमेशा याद रखना, ताकि आप रिलेटिवली एनालॉजी के साथ, माने एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, और रिलेटिवली आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा लेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हम जो देख रहे हैं कि ये बहुत सारे हमने ईयर्स से, जितने भी जब से ये पेपर शुरू हुआ है, हमने 2021 को छोड़कर हर एक ईयर को हमने देखा है. देख सकते हैं 2022 के दो सेट्स, दो दिन के, 2023 के दो दिन के, ये तीसरा दिन, और 24 का पेपर. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो जो सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शन है कि किस वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस पे ज़्यादा फोकस देना है, बट एकदम नहीं. डिफरेंशियल फोकस इज़ ओके, बट तब तक जब आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास बहुत सारा समय है और आप इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए. आपके पास पूरा समय है अच्छे से तैयारी करने की. तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पूछा गया एनवायरमेंट, बायोजोग्राफी, जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ज्योग्राफी मतलब सस्टेनेबिलिटी, और हर चीज़ अभी हम एनवायरमेंट से हर चीज़ क्वेश्चन करें कि क्या, किस तरीके से हम चीज़ से हम लड़ सके. हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे सारे एनवायरमेंट में, हमारा क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ये फ्लडिंग हो जा रही है अभी, क्या बोलते हैं, अर्बन फ्लडिंग इज सच अ नॉर्मल प्रॉब्लम. पानी बस आता है क्योंकि अनप्लान्ड है चीज़ें. तो उसी तरीके से एनवायरमेंट, बायोजोग्राफी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. फिर हम देख सकते हैं अपना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हर एक तरीके से. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में नहीं, ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे भी हमें ध्यान देना होगा. उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आप जब तक प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, राइट. तो ये जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ना, उस पर हमें बहुत फोकस देना होगा. वो भी हर एक अलग अलग सेगमेंट्स में है, राइट. हम उसमें देखते हैं. मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से मेरा मतलब है आपका सर्वेइंग हो गया, आपके जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गए, और कार्टोग्राफी हो गया. अभी हम और भी डिग डीप करेंगे किस में, हम लोग जब प्रॉपरली हम अपने सिलेबस को पढ़ेंगे. पर आप देख सकते हैं पैटर्न को कि किस तरीके से एग्ज़ाम पूछ रहा है. और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्री डायग्राम बनाया है. ये भी एक ग्राफ का तरीका है, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये क्या है मैम, ये क्या है. इसको ट्री डायग्राम कहा जाता है, राइट. ट्री डायग्राम कहा जाता है जहाँ पे आप विजुअली आप देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस ईयर में, और देख सकते हैं हमारा ईयर ये रहा, और क्या बोलते हैं कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा, वो जो कलर ग्रेडियंट आइसोप्लेथ में हम देखते हैं ना कि डार्क से कम में जा रहा है, जो कलर शेड एक ही कलर होना चाहिए पर वो जो शेड में जो डिफरेंस आ रहा होता है. तो उसी को समझते हुए हमें ये बहुत ही प्यारा रिप्रेजेंटेशन देते हुए कि ज्योमोफोलॉजी में हम देख सकते हैं 22 की बात करें, शुरुआत का जो पेपर्स थे, तो ज्योमोफोलॉजी में फिजिकल पे बहुत फोकस था. पर विद टाइम ये अब ना थोड़ा सा बदल रहा है, रुख बदलती हुई, हवा बदलती हुई. तो आप देख सकते हैं कि ज्योमोफोलॉजी से, प्रैक्टिकल से, थॉट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जो कि थोड़े फैक्चुअल हैं. मैं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल तरह के मैंने तरफ उनका इंक्लिनेशन है, पर विद टाइम चीज़ें चेंज हो रही है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है पहले साल, बट अब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है. सो हम देख सकते हैं कि ज्योमोफोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रैक्टिकल, थॉट में, फिर देख सकते रिसोर्स और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लगभग एक जैसे क्वेश्चन आया है, फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, RSGIS, ये सारे मीडियोकर, और यहाँ पे एनवायरनमेंट में सबसे कम. एक और देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट इज़ वेल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए 22 के 3 सितंबर का जो पेपर था, वहाँ देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से काफ़ी प्रश्न है, एनवायरनमेंट और बायोजोग्राफी से काफ़ी प्रश्न है. ऐसा उन लोगों ने नहीं किया है, उन लोगों ने मिक्स किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योमोफोलॉजी का यहाँ पे वेटेज कम हो गया. तो क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे, आपको प्रॉपर हर जगह फोकस देना होगा. यू कैन नॉट लीव बिहाइंड एनी डिसिप्लिन लाइक दैट, एनी सेक्शन लाइक दैट, ठीक है. आपको ध्यान देना होगा, कोई भी चीज़ें थोड़ा वेटेज ज़्यादा रख रही है, तो इससे क्लैरिटी यही आ रही है कि हमको ध्यान हर एक तरफ देना होगा. और हम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे, हम प्रॉपर आपको पूरा मदद करेंगे, आपको प्रॉपर सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और सिर्फ मटेरियल ही नहीं, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, ठीक है. अब इससे हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ को पता किया, हमारा एक कंक्लूजन भी आया. हम देखें फिर यहाँ देखिए 23 को, एक साल बाद, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा प्रश्न है, रिसोर्स ज्योग्राफी में उसके बाद, ज्योमोफोलॉजी में काफ़ी प्रश्न है, ओशियोनोग्राफी, थॉट. यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अर्बन ज्योग्राफी से कम प्रश्न है, RSGIS से भी मीडियोकर क्वेश्चन है. पर अर्बन ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैंने बात की अर्बन फ्लडिंग की, अर्बन
ये जो फ्लडिंग है ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट आ रहा है. तो हमको ऐसे नहीं कि एनवायरनमेंट मतलब हमने सिर्फ पेड़ सोच लिया, रिसोर्सेज सोच लिए, बस ऐसा नहीं है. हमें ये भी ध्यान देना होगा कि पॉपुलेशन से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, पॉपुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारे रहने की जगह पे. अर्थ, अर्थ इज द अबोड, अबोड माने घर. किनका? ह्यूमंस का. सो सब कुछ निर्भर करता है हमारे एक्शंस का, राइट? हम जो एक्ट कर रहे हैं उसका पूरा हमें रिपरकशंस मिल रहा है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. तो हर चीज़ को हमें ना थोड़ा सा डायरेक्ट शब्दों से बस याद नहीं करना है, हमको समझना है कि हम रिलेट करें चीज़ों को और हर चीज़ को रिलेट करते हुए पढ़े. अब फिर नेक्स्ट देख सकते हैं 23 के ही 13 जून के पेपर में एनवायरनमेंट को फोकस किया गया है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. यहाँ पे ओशियोनोग्राफी में थोड़ा कम है, ठीक है? तो हम इस चीज़ से हम यही समझ सकते हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटिशन हो रहा है. मतलब समझ रहे हैं कि पूरे ज्योग्राफी का जो कोर है ना, उस एसेंस को इन्होंने पकड़ के रखा है और ये काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस दे रहे हैं एनवायरनमेंट पे और प्रैक्टिकल पे. ज्योमॉर्फोलॉजी तो हमेशा रहेगा, फिजिकल एस्पेक्ट्स हमें हमेशा समझने ज़रूरी है. क्लाइमेटोलॉजी को थोड़ा हर जगह मीडियम ही रखा गया है, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं दिया गया है. और ओशियोनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी इज़ लाइक ऐसे, बट ज्योमॉर्फोलॉजी और बायोजोग्राफी पे काफ़ी ध्यान दिया गया, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी. और ये देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा 23 में इम्पॉर्टेंट रहा है. यहाँ देखिए 2024 का मैं सेटेड है, वहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, अभी मैं बोल रही थी पॉपुलेशन का पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है. पहले ज़्यादातर चीज़ें थॉट और ज्योमॉर्फोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, कि ज़्यादा फिजिकल के ही ज़्यादा पर्सपेक्टिव में या इंक्लिनेशन में आता था क्वेश्चंस, पर चीज़ें भी बदल रही है और ज़्यादा पॉपुलेशन सेंट्रिक होती जा रही है. क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा होता जा रहा है कि एक्चुअली क्या उसका इम्प्लिकेशन हो रहा है. मान लीजिए एनवायरनमेंट का भी क्या इम्प्लिकेशन हो रहा है इंसान पे, या इंसान का क्या इम्प्लिकेशन हो रहा है एनवायरनमेंट में. तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे बहुत बड़ा आप लीप देख सकते हैं. काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनको अभी लीड कर रही है. यहाँ पर देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चंस कम आए हैं. सो आपने समझा कि कैसे क्वेश्चंस आए हमारे सब्जेक्ट को ओरिएंटेशन पे मैंने बात किया. अब हम देखेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं. वी ऑलवेज नो वन वर्ड और फैक्चुअल वर्ड जो होते हैं, फैक्चुअल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी होते हैं. बट इट्स नॉट लाइक ए फैक्चुअल मतलब होता है कि हाँ एक टर्म दे दिया हो गया. वो चीज़ें डिफरेंट हो रही है क्योंकि वो आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली वो है क्या, ठीक है? वन वर्ड फैक्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, बट आप देख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा वाला, मैच मिसफिट वाला आपको बहुत ध्यान देना होगा. नॉट और मिसफिट का बड़ा इस्तेमाल होता है. नॉट पहले तो हम सोचते हैं सिर्फ नॉट को ही ध्यान देना होता है क्वेश्चन में, सिर्फ नॉट को ही ध्यान, अभी ना उसके और भी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं पेपर्स. हम और भी एक और मैं क्वेश्चन दो करवाऊंगी जहाँ पे आप देखोगे कि नॉट के कितने सिनोनिम्स है कि उन लोग इस्तेमाल करो. हम लोग कभी कभार मिस कर जाते, कई बार होता है कि उसको ना डार्कन नहीं किया होता है, पर उस चीज़ को आपको ध्यान देना, अपने आप को ही पहले डार्कन कर लेना कि अच्छा क्वेश्चन में नॉट है, नॉट है, मिसफिट है, और भी ऐसे टर्म्स होंगे जो हम आगे देखेंगे, ठीक है? पैसेज बेस्ड आया है, वो नेट के भी पैटर्न में इंक्लूड हो चुका है, हम देखे यूजीसी नेट के पैटर्न में. डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बड़ा चीज़ है कि डेट्स हमें ध्यान रखना बड़ा मुश्किल लगता है, बट चीज़ें तो अब थोड़ी सी बदल रही है, रुख हवा बदल रहा है, तो चीज़ों को थोड़ा हम लोग को और ज़्यादा गहराई में देखना होगा. डेट्स ऐसे नहीं कि हमें याद करना होगा, चीज़ों को समझना कि एक्चुअल में उस वक्त उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, उस समय दुनिया में क्या हो रहा था, उस वक्त हमारे इकॉनमी में क्या हो रहा था, तो हम लोग को उससे रिलेट करके चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है? ईयर्स में ऐसा नहीं कि काफ़ी पास पास ईयर्स है, दूर दूर के भी ईयर्स दे रहे क्वेश्चन में, तो यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट कि आसपास में हो क्या रहा है या हो क्या रहा था उस वक्त. और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हमेशा मिला के देखा गया है. वो हमने जानते एकोरोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया था जो कि हमारा रीजन के ऊपर था, वो बाद में आया था, पर क्रोनोलॉजी और कोरोलॉजी साथ में चल रहे थे, राइट? कोरोलॉजी का क्या मतलब होता है? रीजन. और क्रोनोलॉजी भाई किस सीक्वेंस में चल रहा है. इसलिए हिस्ट्री को हमेशा बोला गया है, हिस्ट्री को ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में समझा जाए, और ज्योग्राफी को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमारा सबसे पहला हमारा जो यूनिट में ही आ जाता है जो कि जियोलॉजिकल स्केल. यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, देन वी विल नो कि स्पेस कैसे काम कर रहा है. ज्योग्राफी
इस हिस्ट्री के बेस पे स्पेस को किस तरीके से गवर्न कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट में भी बहुत क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट 1-2 वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि हाँ, वन वर्ड फैक्चुअल को अभी हम लोग इसको ओमिट कर दे रहे हैं, पर यहाँ देखिए और भी दूसरी चीज़ों में काफ़ी पूछा जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जा रहा है, नॉट और मिसफिट काफ़ी पूछा जाता है, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डेफिनेशंस, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, ताकि आप ना आपको घुमा के दे रहा है चीज़ों को, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को। सिलेबस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहला स्टेप है चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्चुअली जो ज्योग्राफी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पहला है फिजिकल, सेकंड है ह्यूमन, और थर्ड है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इन भागों में ही ज्योग्राफी को हमेशा से हमने देखा है, और इसी वजह से एमए एमएससी का भी आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी को हम एमए भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल का जो पार्ट होता है वो काफ़ी एमएससी ओरिएंटेड है, और ह्यूमन थोड़ा हमारे आर्ट्स में आ जाता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रैक्टिकल तो दोनों को बांध के रखा हुआ है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि तीन सेक्शंस में बांटा गया है ज्योग्राफी को। पहला है फिजिकल, सेकेंड है ह्यूमन, थर्ड है प्रैक्टिकल। तो जो पहला सेक्शन है फिजिकल का, उसमें जो सब सेक्शंस है वो क्या है, ज्योमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, बायोजोग्राफी है, एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। हम लोग इनको अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे आप ज्योमॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उनको भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। बहुत ही दिखने में लगा कि इट इज़ वेरी इजी, है ना, वी हैव लर्नड इट फॉर लाइक डिकेड्स अभी, क्योंकि हम लोग क्लास 10th, 8th, 9 सब समय ये पढ़ते आए हुए हैं। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, अर्थ इंटीरियर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये ना बड़ा कोर है, ठीक है। हमारे जो पूरे सोलर सिस्टम एंड द अर्थ है ना, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कितने प्लैनेट्स है, क्या डेंसिटी है, क्या क्या है, इस तरीके की चीज़ें। तो उसके लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है, हमको ये पता है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ के 2 टाइप के थ्योरीज होते हैं। पहला है मोनोलिस्टिक, सेकेंड है डुअलिस्टिक। मोनोलिस्टिक का मतलब क्या है, मोनो मतलब 1, हमेशा से कोई चीज़ बना है ना तो एक छोटा सा कण से बनता है ऐसा बोला जाता है। तो वो जो है ना, कि मोनोलिस्टिक की बात करिए तो एक चीज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन या किस तरीके से भी चीज़ हमारी अर्थ जो बनी है, वहाँ एक ही स्टार था। और जो दूसरा है वो है डुअलिस्टिक, जहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 स्टार्स, डुअ मतलब 2। तो इस तरीके से हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ के थ्योरीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि किन्होंने क्या दिया और कैसे ये इवोल्यूशन भी हुआ थ्योरीज़ में, कि पहले मोनो स्टार से डुओ स्टार में कैसे हम लोग आए, उस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि कैसे अर्थ बना है, किस टाइप के मिनरल्स आए हैं, वो भी हमें समझ में आएगा अर्थ के इंटीरियर को पढ़कर। अर्थ के इंटीरियर के बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिफाइन करता है हमारे आगे की चीज़ों को, कि रॉक्स हो गए, सॉयल हो गया, ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म्स हो गए, ठीक है। ये क्या डिफाइन करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना और उस चीज़ के वो जो इवेंट्स को, वही है हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो आज का स्पेस है वो ऐसा क्यों है, वो चीज़ को हम बिल्कुल जस्टिफाई कर सकें, एंड इट विल गिव यू अ प्रॉपर बिग पिक्चर कि ये एक्चुअली उसके आगे आने वाली चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। अब ये जैसे हो गया वेगनर का थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि प्लेट के ही ऊपर सब कुछ निर्भर हो रहा है, कि कैसे सारी चीज़ें लैंडफॉर्म्स बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, और बहुत ही ज़्यादा जो अंतर या फिर जो भी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हर जगह। आप देखिए कौन सी ओशन बड़ी हो रही है, कौन सी छोटी हो रही है, कहाँ पे हिमालयस हमारे जो सागर मत बैठा है वो कैसे हो गया,
वो एक दिन में तो नहीं हुआ है सारे प्रोसेसेस, बहुत सारा प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बाउंड्री को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पूरी तरीके से समझेंगे और उन थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करें वो भी हम समझेंगे। अब आते हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसिंग में। तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं कौन से, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, राइट, अंदर। तो जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस है उनको हम क्या समझेंगे, कैसे कि फोल्ड्स कैसे बन रहा है, फॉल्ट कैसे बन रहा है, डोम कैसे बन रहा है, ठीक है, और दे उनके रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स क्या है। तो उस तरीके से एंडोजेनिक हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो सारी चीज़ें हम मेनली किससे रिलेट करते हैं, हम रिलेट करते हैं वहाँ पे आपके अर्थक्वेक से, वल्केनिज्म, और ये सारी क्या हो रहा है, अंदर क्या घट रही है, हमारे शरीर के अंदर क्या घट रहा है कि हमारे मुंह में पिंपल आ गया, कहने का बात है ना कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ घट रहा है, इस वजह से हमारा वो बाहर भी वो चीज़ दिख रहा है। तो वही चीज़ ये बाहर जो हमारा जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, उसमें जो भी चीज़ें जो चेंजेस आ रही है, बहुत हद तक वो बदलाव हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस से आता है, राइट। तो ये जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस है उनके जो प्रोसेसेस के बाद वो रिजल्ट हो रहे हैं या एजेंट्स क्या है, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या क्या है बताइए। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हमेशा से हम पढ़ते हैं डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन, इरोजन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यही है। और इसके जो प्रॉपर ये जो एजेंट्स हैं हमारे, पानी, ग्लेशियर, हवा, राइट, ये सारे जो चीज़ें एजेंट्स हैं हमारे जो चेंज कर रहे हैं आसपास के जो पूरे हमारे सरफेस को पूरा जो चमका रहे हैं या फिर किस तरीके से उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, लैंडफॉर्म में जो बदलाव आ रहा है, वो जो हम बाहर की जो प्रोसेस है, बाहर, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहरी, बाहरी के जो प्रोसेस होते हैं, बाहरी प्रोसेसेस जो बोलते हैं ना, जो बाहर में घट रहे हैं, बाहर में किस तरीके से टेम्परेचर हो गया, आपके क्या बोलते हैं क्लाइमेट में कैसा है, प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो एक्चुअल में उसका अंदरूनी नेचर कैसा है चीज़ों का, रॉक का नेचर कैसा है, तो उस पर सब कुछ निर्भर करता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, डेन्यूडेशन के सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, राइट। फिर हम देखेंगे ये सॉइल का जियोमॉर्फिक एजेंट्स, क्योंकि अब जब ये पत्थर से टूटते टूटते बनता है सॉइल, तो सॉइल को भी समझना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम सारे लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और कुछ बहुत ही बड़े बड़े जियोमॉर्फिक हज़ार्ड्स पढ़ेंगे, जैसे हमारे हो गए लैंडस्लाइड्स, और जो कि बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है। कमिंग टू क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में चार आप देख सकते हैं कि पाँच सेक्शंस हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, एयर मासेस एंड फ्रंट्स, एंड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि उससे हमेशा क्वेश्चंस बनते रहेंगे, वो चाहे इंडिया के लेवल पे हो या वो वर्ल्ड लेवल पे हो। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब बेस्ड है आपके एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के। और हमें ये समझने के लिए हमें सबसे पहले क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, और हीट बजट। हीट बजट ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि लोग भूल जाते हैं यार क्या परसेंटेज था, वो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हमको भूल जाता है। तो वो चीज़ को हम कैसे अच्छे से याद रखेंगे, हम उसकी भी टेक्निक हम सीखेंगे प्रॉपरली। हम हीट बजट देखेंगे कि कितना प्रतिशत एक्चुअली जो रेज है वो यहाँ तक आ पा रहा है, कितना हम उसको जो रेडिएशन कहते हैं, राइट, है ना, जो आता है वो क्या आता है, शॉर्ट रेडिएशन है, शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशन आते हैं, और जो वापस जा रहे होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन है, और वो कारण क्या है, वो लॉन्ग हो जाता है, वो शॉर्ट ही क्यों आता है, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो कैसे बजट, मतलब जितना हमने अपना बजट बनाया कि आज हम जाएंगे आपके रेस्टोरेंट, हमारा बजट है 700 रुपए का, तो हमारा 700 ही खर्च होना चाहिए, तो वही कैसे अर्थ मेंटेन करता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, लगभग हर चीज़ में ना सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगा, हर एक डिसिप्लिन में, हर सब्जेक्ट में, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपके एयर में भी है, एयर भी एक तरीके से एक मीडियम है, एक एलिमेंट है, और आपके क्या बोलते हैं पानी में भी, आप जब हम ओशनोग्राफी देखेंगे वहाँ पे भी आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सालिनिटी का रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन विंड्स का देखेंगे, राइट। इस तरीके से लगभग सिमिलैरिटी हर चीज़ में, पर हमें ध्यान देना होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन देखना होगा किसका किसका, विंड्स का, राइट, कौन से विंड्स होते हैं उनके सर्कुलेशन, ट्रेड विंड्स हो गए, जो सीजनल विंड्स हो गए, लोकल विंड्स हो गए, इन सब को हमको ध्यान देना होगा। पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स पे भी हम बहुत फोकस करेंगे, टेम्परेचर और उनके फैक्टर्स, मेनली हमारे जो आसपास में हवा में क्या क्या ज़रूरी है, हमारे जो हम रहते हैं सरफेस में हमें क्या क्या लगता है, हवा लगता है,
टेम्परेचर हमें समझ में फील होता है कि गर्म ठंडा है ना, और क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, हम इन्हीं पे फोकस करके पूरा ये वाला जो यूनिट है इसको हम पूरी तरीके से हम कैप्चर करेंगे. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अभी बरसात का मौसम है तो हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना, ये सारी चीज़ हम सुनते हैं ना, जो हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं या फिर जो वहाँ पे आपका न्यूज़ एंकर बता रहा होता है, तो उस चीज़ को बहुत प्रॉपरली समझेंगे ह्यूमिडिटी का क्या रोल है एनवायरनमेंट में, हमारे क्लाइमेट में क्या वो है, इवापोरेशन, कॉन्डेंसेशन, हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल्स हो गए, टाइप हो गया, रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. मॉनसून तो एक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं रीजनल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट पढ़ रही थी और मेरा काम भी एग्रीकल्चर पे है, तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है मॉनसून वी ऑल नो, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन फार्मर्स. तो हमारा खाना पीना, हम ये जो सेल्फ सफिशिएंट है वो सिर्फ क्या बोलते हैं फार्मर्स की वजह से है. तो हमको ये जो मॉनसून है उसको बहुत समझना ज़रूरी कि क्या किस तरीके से फसल भी बिगड़ा, हम रिलेटिव पढ़ेंगे, हर चीज़ रिलेटिव देखेंगे कैसे मॉनसून इफेक्ट कर रहा है हमारे ये जो रोज़मर्रा का जो हम सब्ज़ी लेने जाते हैं. तो वही कहने का मतलब कि हर चीज़ रिलेटेड है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो मॉनसून का मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है और इंडियन मॉनसून का स्पेशली. एयर मासेस एंड फ्रंट्स, ये जो हम ये बहुत ही सारे बड़े बड़े जो हम लोग इवेंट्स देखते हैं, साइक्लोन्स हो गए, एंटी साइक्लोन्स हो गए, एंटी साइक्लोन्स वी डोंट एक्चुअली इनकाउंटर, पर हम जो साइक्लोन्स हम इनकाउंटर करते हैं, एलनिनो हम भी बोला जा रहा है कि इस साल एलनिनो चल रहा है. एलनिनो का मतलब क्या है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है हम पे? एलनिनो सर्कुलेशन जो है, एनसो सर्कुलेशन, एनसो क्या है, एलनिनो सदा ऑसिलेशन, ये सब क्या है, ये कैसे हम लोग इम्पैक्ट कर रहा है? हम सब नाम जानते हैं इस चीज़ को, मैं प्रॉपरली कैसे हम चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ह्यूमंस को, उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है एनसो का इवेंट, क्योंकि इस साल एलनिनो का इवेंट है. ला नीना मतलब हमारे लिए जो नॉर्मल मानसून होते हैं, एलनिनो का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग के लिए एक ड्राउट का सिचुएशन क्रिएट करता है, जहाँ पे जो एरियाज आर लाइक रेनफॉल डिप्राइव्ड एरियाज, ठीक है. तो ये चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा. क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हमने बोला कि कोपेन का हो गया और थॉर्नथ्वेट, ये दो लोग हैं, इनके क्लासिफिकेशन को हमें समझना होगा कि कोपेन ने क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किया था. क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया ध्यान रहेगा ना, तो हम चीज़ों को एकदम से सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर फाउंडेशन क्लियर रहा तो हमें समझ में आया कि क्राइटेरिया क्या था, उनका क्या था, कोपेन का क्या था, राइट क्या था, वही चीज़ हमें ये पता करना है हमें. जो थॉर्नथ्वेट का क्या था, इवापोट्रांसपोरेशन कैसे उन्होंने इंक्लूड किया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रीजन्स, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट की विद टाइम किया, वो एक बार में नहीं किए, तो वो भी समझे कि हाँ कि ये सारी चीज़ें भी और भी ज़्यादा फैक्टर्स चीज़ें इम्पैक्ट डाल रहे, तो वी हैव टू सी दैट, ठीक है. तो हम यहाँ देखेंगे कोपेन का और थॉर्नथ्वेट का हम देखेंगे. फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉल्यूशन से रिलेटेड, कि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स, फिर से ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, और इन्वायरमेंट मतलब हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है. तो ये इसलिए हमें डिजीज़ को भी ध्यान देना होगा और कौन से पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट को पूरा पल्यूट कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी को सर्फेस कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस एंड मरीन डिपॉजिट्स, ठीक है. वही हमने बात किया कि क्या सर्फेस कन्फिग्रेशन, हमने बाहरी ऊपरी सरफेस देख लिया, हमारे जो लैंड का कॉन्टिनेंटल सरफेस हमने देखा, अब जो पानी के भीतर का जो सरफेस है उसको भी समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे ऐसा सरफेस क्यों है, वो क्यों इस तरीके से हुआ है. उस चीज़ को समझने के लिए हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इट इज़ रॉन्ग स्पेलिंग, शेल्फ राइट, ठीक है, अबिसल प्लेन, ट्रेंचेस, डीप्स हो गए, रिलीफ, अब ये तो हम समझे, पर हमारे मेन जो तीन हमारे जो ओशंस हैं उनके बेसिस पे पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आया कि इसलिए ये उन्होंने क्या बोलते हैं हमारे सिलेबस में बहुत इजीली उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हमको किस तरीके से पढ़ना है. इट इज़ रियली नाइस, देयर सिलेबस इज़ वेरी गुड, और आप समझ सकते हैं कि इनके बेसिस में ही आपको ये पढ़ना होगा. तो कैसे होगा ये चीज़ हम समझेंगे, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस, ये पूरा डिपेंड करता है, ठीक है. ये जो है ना सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, वो जो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा, आपने कभी एक्वेरियम देखा होगा तो वहाँ अगर पानी को अगर वहाँ पे वो ऑक्सीजन वाला नहीं चला जाए, कि ऑक्सीजन वाला कुछ होता नहीं है वहाँ पे, वो बार बार पानी को क्या कर रहा होता है, बार बार वो चीज़ ऊपर नीचे हो रही होती है, वो जो वो कर रहा होता है वो क्या है, ऑक्सीजन बना रहा है वहाँ पे. तो इसीलिए क्यों, क्योंकि ये सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ओशनिक सर्कुलेशन नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. तो उस सर्कुलेशन के पैटर्न को समझना है तो वो हम लोग समझेंगे. फिर वो हमने कैसे फिर से समझेंगे, वो तीन ओशन के बेसिस पे, ठीक है. और फिर हम टाइड्स के कॉसेस देखेंगे एंड थ्योरीज देखेंगे. थ्योरीज तो हर जगह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्योरीज प्ले अ पिवोटल रोल इन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग.
ऑल्दो इन आर डिसिप्लिन थ्योरीज विद टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, चीज़ें इवोल्यूट हुई है, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे थ्योरीज डेवलप नहीं हुई हैं ड्यू टू दी नेचर ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में वही बात है कि वो बांध के रखने वाली शक्ति है, बट वो कहीं ना कहीं थ्योरीज हमने ज़्यादा हमें मिलेंगी हर जगह ही, बट कहीं ना कहीं इट इज़ मोर फ्रॉम क्या बोलेंगे, दान है हम लोग के दूसरे डिसिप्लिन के, तो इस वजह से. बट हाँ, हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो किसी से कम नहीं, हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर अगर कमांड आ गया तो आप पे मैक्सिमम चीज़ों पे कमांड आ गया. ठीक है, मरीन डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो कोरल रीफ भी देखेंगे हम, और किस जगह पे कौन से ओशन में. फिर से इसने बहुत ही प्रॉपर अच्छे से डिवाइड कर दिया कि हमें तीन ओशन के बेसिस में हमें पढ़ना होगा. ठीक है, मरीन डिपॉजिट्स क्या क्या है, पेलाजिक है ना, ऐसे ये सारी चीज़ें हमें देखने होंगे. फिर हमें देखना है बायोजोग्राफी, तो बायोजोग्राफी में आता है बायोस्फीयर, मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस हो गए, और ह्यूमन इंट्रैक्शन इम्पैक्ट. बायोजोग्राफी पे बहुत फोकस किया गया है हमको, इसलिए बायोजोग्राफी को बहुत ही अच्छा कमांड करना होगा. और हमें एक्चुअली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी क्या बोलते हैं, हमारे जो हमने पढ़ा है पहले ही, क्लाइमेट से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, तो इससे हम बायोम को भी हम समझेंगे कि बायोम क्या है, बायोम, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो एक्चुअली कैसे आए और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है. तो वर्ल्ड के मेजर बायोम्स हम समझेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वो हमें जो सर्कल हमने शुरुआत में पढ़ा ना कि वो पांच चीज़ें हम लोग को समझनी है, तो वो कैसे समझेंगे वो यहाँ हम देख रहे हैं. फंक्शंस देखें किसका, हमने फंक्शंस जनरली पढ़ा है ना, इकोलॉजिकल, इकोलॉजी की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो फंक्शंस किसकी, उसी की फंक्शंस की बात करें. हमारा बॉडी है तो उसका फंक्शंस क्या क्या है, लीवर का क्या फंक्शन है, राइट, लंग्स का क्या फंक्शन है, वैसे ही यहाँ पे इस बायोम में वो जो फंक्शंस है वो कैसे काम कर रहा होता है, वो होता है फ्लो से. और वो फ्लो कैसे होता है, ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हम देखते हैं, एनर्जी फ्लोज देखते हैं, साइकिल, तभी कोई चीज़ चलता रहेगा जब तक फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा. इट इज़ लाइक अ कॉन्स्टेंट, जहाँ पे कोई चीज़ मूवमेंट है उसके लिए ना फ्लो ज़रूरी है. फ्लो नहीं होगा तो इट विल गेट स्टैग्नेंट, इट विल गेट फिनिश्ड, राइट. तो फ्लो को समझने के लिए वो फंक्शंस है, वो है ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो, साइकिल्स, जो केमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं उसको हम और डिटेल में देखेंगे, और फूड चेन, फूड वेब, और इकोलॉजिकल पिरामिड में भी हम लोग ध्यान देंगे. ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि पूरा जो हमारे एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसके क्या क्या रेक्टिफिकेशन है, क्या एक्चुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पॉलिसीज हो गए, और उसके बाद हो गए हमारे हम लोग को क्या बोलते हैं एक्चुअली में क्या तरीके से पैटर्न कैसा है कि कहाँ पे क्या इश्यूज़ हो भी रहे, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में, कौन से स्पेस में क्या प्रॉब्लम है, राइट. हर एक तरीके की चीज़ है जिसमें इंक्लूड है ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, राइट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन. एक और हम लोग देख लेंगे गोल्फ के भी, ग्लोफ के बारे में, जो ग्लेशियल लेक वाला जो आउटबर्स्ट वाला इशू होता है वो भी देखेंगे हम, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है विद टाइम, विद द टाइम इज़ गोइंग ऑन, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अग्रवेट होती जा रही है, चीज़ें खतरनाक होती जा रही है, लोग लाइव्स चली जा रही है, और इन्वायरमेंट पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एंड वी विल गो थ्रू लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वो है लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, क्लाइमेट, सीजन्स, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. मेनली जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो हम लोग कहाँ देखते हैं, लैंड की डाइवर्सिटी में. लैंड का क्या मतलब होता है, सॉइल भी आता है, जियोलॉजी भी आती है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आता है, ड्रेनेज आता है, और वेजिटेशन आता है, राइट. तो ये सारी चीज़ें आती है, तो वी हैव टू लुक इनटू दिस. और ये हर एक चीज़ का मतलब कि सोल, ये चीज़ सोल है, ये चीज़ ही आपको डिटरमाइन करेगा कि आगे चीज़ें कैसे डेवलप होएगी. हम लोग जैसे चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ये ऐसा सिचुएशन है, तो उसके बेसिस पे ही सारी डेवलपमेंट्स होती है. तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ देखेंगे कि क्या लैंड का कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक है हर तरीके से. क्लाइमेट सीजन्स देखेंगे, मॉनसून का ओरिजिन, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशंस देखेंगे, रेनफॉल, लोकल विंड्स को भी देखेंगे, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, मेजर टाइप्स एंड देयर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अभी एक बहुत ही हमेशा से सुर्खियों पे अभी आ रहा है, और ये एक्चुअली एक स्टेप है ताकि हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से फंक्शन कर सके, कहीं हम लोग अपाहिज ना हो जाए. तो हमें चाहिए कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे हम लोग ध्यान दें, और उसके लिए कई सारे जो भी कॉन्वेंशंस भी हो रहे हैं हमको वो भी ध्यान देने होंगे, है ना. किस तरीके से हम लोग सोलार अलायंस बनाए हैं उस पर भी हम ध्यान दें कि कौन से कंट्रीज़ एक्चुअली उसमें आ रहे हैं. इट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू हैव अ
like an initiative from our side. So it's a very good initiative, to be honest. फिर हम फॉर दैट हम चीज़ों को समझने के लिए हमें एक चीज़ बहुत ध्यान देना होगा, वो है रिपोर्ट्स का. रिपोर्ट्स पढ़नी होगी, और भी रिपोर्ट्स हैं पर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं स्टेट की इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे. इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, और यूएन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ईयर बुक के ध्यान देना होगा, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज और इंडियन मिनरल ईयर बुक. मैंने ग्लोबल यहाँ पे लिखा है क्योंकि वही बात है, रिलेटिव होना चाहिए. वहाँ पे हमारे साथ और भी कौन से कंट्रीज़ है जो सिमिलर स्टेज में है, या फिर कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, वो चीज़ को भी समझने के लिए हमें रिपोर्ट्स को असेसमेंट करेंगे. हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको टैबलेट फॉर्म में डायग्राम्स बना के चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में क्या परिस्थिति है और क्या प्रोजेक्टेड है. ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ख़त्म होता है फिजिकल वाला पार्ट, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक नॉलेज, पूरा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप आगे पढ़ेंगे ह्यूमन में, उसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हम ये फिजिकल को हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है. और हम स्ट्रेटेजी कैसे करेंगे कि हम फिजिकल पर पूरा ध्यान देंगे शुरुआत में, ताकि हम लोग का फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, और हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को हम रिलेट कर सके, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे. सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने पढ़ लिया कि प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, ओशियनिक ओशियनिक होती है. तो हम क्या बोल रहे थे कि ओशनिक हमने पढ़ लिया कि प्लेट बाउंड्रीज होते हैं. ठीक है, सो प्लेट बाउंड्रीज सिर्फ हम ये जानते हैं कि हाँ ओशनिक ओशनिक होता है, कन्वर्जेंट है कहीं ना कहीं. तो ठीक है, कन्वर्जन बाउंड्री हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गया. हम जानते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री सैन एंड्रियास फॉल्ट है, हम ये बस ऊपर से जानते. पर एक्चुअल में ये किस तरीके से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, वो बाउंड्री कैसे लीड कर रहा है किसी और दूसरे प्रोसेस को, वो चीज़ को समझना, वो क्यों इंस्टिगेट कर रहा है उस चीज़ को समझना, वो ज़रूरी है. तो हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे कि चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. आगे बढ़ते हैं. आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट, देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के इंडिया में. इंडियन रॉक सिस्टम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, माइंस एंड रिफाइनरीज, ये जनरली ये सारे मैंने जो ये लिखे हैं ना, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स, ये क्या है, ये ना हम लोग ये ज़्यादातर हम लोग ध्यान दे रहे होते हैं, पर हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं. तो वो भी पूछे जा रहे हैं, चीज़ें बदल रही है, वो कैसे बदल रही है, हम ये अभी समझेंगे. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग लाइन से देखते हैं. ठीक है, चलो मैं ज्योमॉर्फोलॉजी से शुरू करती हूँ. प्लेट बाउंड्रीज पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, पॉलीसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक, है ना, ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ते हैं. ठीक है, ठीक है, उसके बाद है हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं ये फोर्सेस पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन्स पढ़ लेते हैं, एंटी साइक्लोन्स पढ़ लेते हैं, इनफैक्ट हम पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं आपके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं, कोपन का, थॉर्नवेथ का. ठीक है, ओशनोग्राफी हम देखते हैं, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ओशन करेंट्स डिपॉजिट्स पढ़ते हैं, और यहाँ देखते हैं बायोजोग्राफी में हम ये सारे पढ़ते हैं, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसेस हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोम्स, डिजास्टर्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. और हम फिजिकल ज्योग्राफी में इंडियन रॉक सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड माइंस एंड रिफाइनरीज पढ़ते हैं. पर हम क्या नहीं टच करते वो हम देखते हैं, फिजिकल बाउंड्रीज एंड टेंशन बिटवीन कंट्रीज. फिजिकल ज्योग्राफी में ये भी मैटर करता है, क्योंकि नदियाँ बाउंड्री सिर्फ ह्यूमन मेड नहीं होती है, आपकी
मैन मेड भी होती है, तो यहाँ पे आप देख लिया तो मैंने नेचर मेड भी होती है, जैसे रिवर्स हो गए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि फिजिकल बाउंड्रीज एंड टेंशन बिटवीन कंट्रीज, मुहूरी रिवर किसके बीच में है, है ना? तो वहाँ हमको, हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग तो फिजिकल बाउंड्री हमें पता है, LOC LAC सब पता है, बट हमें ये भी ध्यान देना होगा कि फिजिकल बाउंड्रीज में भी टेंशन होती है, तो वो कहाँ कहाँ हो रही है। हम जनरली इंटरनल पढ़ते हैं, हमें एक्सटर्नल भी पढ़ना ज़रूरी है कि किस तरीके से हो रहा है चीज़ें। तो मुहूरी रिवर जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है, और वैसे और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेंशन हम देख सकते हैं फिजिकल बैरियर्स के केस में, जहाँ पे चाइना का साथ कहीं दिक्कत हो रहा है, नेपाल के साथ कहीं दिक्कत हो रहा है, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट्स को ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है? तो फिजिकल बाउंड्रीज के टेंशन को हमें समझना ज़रूरी है। बायोजोग्राफी की बात करें तो टर्मिनोलॉजीज हम प्लाजियो क्लाइमैक्स, इडाफिक कंट्रोल एक्सेट्रा, बहुत सारे हम टर्म्स ऐसे नहीं पढ़ते। जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन जब पढ़ा जाता है तो उसमें ना हमें पढ़ लिया कि हाँ ये होता है, पर उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरियाज क्या होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर डिजास्टर रिलेटेड स्टेप्स हो गए टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो क्या क्या स्टेप्स ली रही है गवर्नमेंट, क्या पॉलिसीज में बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है, ठीक है? बायोजोग्राफी की बात ही कर रहे हैं हम, तो मैं क्या बोली, ये सारा अभी ह्यूमन रिलेटेड होता जा रहा है कि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि चीज़ों को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उसका रिलेशन है, उसको समझना ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे होगा। फिर ओशियोनोग्राफी में हम सुनामी को भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे कैसे आया, क्यों आया, कौन से वजह से आया। कौन से वजह की बात क्या था, जैसे हम प्लेट्स की बात करते हैं कि कौन से प्लेट्स टकरा रहे हैं, कौन से प्लेट्स क्यों टकरा रहे हैं, और क्या रीज़न है, कौन से एरिया में ज़्यादा ही सुनामी आता है और क्यों आता है, राइट? ये सारी चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी में हम एयर मासेस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऑक्लूडेड फ्रंट्स वगैरह, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं कि एक्चुअली ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या हो रहा होता है, या कोल्ड और हॉट फ्रंट में क्या हो रहा होता है, कि उस समय कौन सा पहले क्लाउड बना, बाद में क्या हो रहा है, कब प्रेसिपिटेशन हुआ, और उनके मिलने के बाद कैसा सिचुएशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंडफॉर्म्स, पॉलीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, ये सारे ऑर्डर्स भी हमें देखना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बहुत बेसिक लगता है पर हम चीज़ें छूट जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का लैंडफॉर्म है कि सेकेंड ऑर्डर का लैंडफॉर्म, बताइए ओशन और कॉन्टिनेंट कौन से ऑर्डर के लैंडफॉर्म है, राइट? ऐसे बड़े बेसिक से। फिर ये जो हमारे जब इरोजन हो जा रहा होता है, डेनुडेशन का प्रोसेस हो जा रहा होता है, उसके बाद के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं तो वो कौन से स्टेज में आ रहे होते हैं, ये समझना ज़रूरी है। और सिस्मिक सेंसिटिव जोन्स को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिस्मिसिटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारी जगह, क्योंकि हमारा इंडिया वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कई जगहों पर, बट हम मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग अभी गए थे हिमाचल में लैंडस्लाइड हो गया और हम लोग अटक गए थे। मैंने कितना बड़े स्केल में हुआ था, इट वाज लाइक 2 किलोमीटर्स के दूरी में एक पूरा एक एरिया पूरा बंद हो चुका था, रास्ता पूरा जा चुका था, वहाँ के जितने घर था सब कुछ टूट चुका था, उसके पास में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। तो कहने का बात यही है कि चीज़ें हो क्या रहा है, वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया, मान लीजिए अगर वहाँ सिस्मिसिटी हुआ, अगर वहाँ पे वो चीज़ को अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो मतलब वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे कितने लोगों की जान जा सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं 5 पार्ट्स में है, वो है एक ज्योग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हमने पहले भी समझा कि हम जब जो अपना फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके पढ़ना है। यहाँ पे भी वही चीज़ हमें ध्यान देना है, जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके हमें पढ़ना होगा। तो ज्योग्राफिकल थॉट एक थोड़ा स्टैग्नेंट है, बट ये चीज़ें बदली है, हमें पता है हम लोग ज़्यादातर कहाँ नहीं ध्यान दे रहे होते, पोस्ट पॉजिटिविज्म के बाद। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट हो गया ज्योग्राफी का नक्शा, क्योंकि ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं हर जगह उसको ना धिक्कार मिल रहा था, क्योंकि यहाँ थ्योरी बिल्ड नहीं था, थ्योरी नहीं है, साइंस का जो कम्युनिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वो जो बदलाव आया पॉजिटिविज्म के बाद, पॉजिटिविज्म तक तो हम बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझते हैं, डुअलिज्म्स पढ़ते हैं, पर उसके बाद के जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे, उनके भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, और किस तरीके से आज के टाइम पे वो चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है, वो चीज़ को समझेंगे, ठीक है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम सारे थ्योरीज बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट की बात है तो नेचर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग जनरली फर्स्ट चैप्टर को हमेशा छोड़ते आए हैं अपने किताबों में कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, ये कैसे पढ़ सकते हैं, पर इतना इंटरेस्ट है, यू नेवर नो। हम एक राणा सर के हमारे बहुत ही हमारे टाइट प्रोफेसर है, उन्होंने किस तरीके से थॉट को प्रेजेंट किया, मैं तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट इज़ लाइक अ स्टोरी।
ये स्टोरी के तरीके से अगर हम समझें ना चीज़ें, हमें बहुत ध्यान रहेगी, चीज़ें हमें याद रहेंगी और हम इस चीज़ को उस तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचर एंड स्कोप कैसे पढ़ेंगे, ब्रांचेस क्या है ज्योग्राफी के, किस तरीके से वो रिलेटेड है दूसरे डिसिप्लिन से, वो भी समझेंगे। हिस्टोरिकल ओवरव्यू हम देखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन किसके किसके देखेंगे, ग्रीक रोमन अरब चाइनीज़ एंड इंडियन स्कॉलर्स। देखिए अमेरिकन के भी आते हैं, आपको देखना हर एक कोई है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट जो क्या बोलते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चंस में कि हमें अरब के और इंडियन स्कॉलर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और एक जो कन्फ्यूजन होता है वो ग्रीक और रोमन का, वो हम लोग को थोड़ा देखना होगा। जो जो कन्फ्यूजन हो रहा है हम उसको एकदम क्लियर कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। डुअलिज्म्स देखेंगे, ये डुअलिज्म्स क्या है ज्योग्राफी के, मेनली क्या था, कौन थे, बर्नार्ड वेरेनियस ने जो वो डुअलिज्म का जो पूरा नक्शा था वो पूरा एकदम ही अलग ही कर दिया, और वो बहुत ही ज़रूरी था एक्चुअली उस वक्त ही, उन्होंने हमारे डिसिप्लिन का फेट डिसाइड कर लिया था देखा जाए तो। तो हम देखेंगे फिजिकल और ह्यूमन, रीजनल एंड वर्सेस सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक। यहाँ सिर्फ सच बताएं तो टर्म्स का डिफरेंस है, चीज़ें लगभग सिमिलर है, समय के साथ बस नाम बदला है, पर जो एक्चुअल कोर एसेंस है वो नहीं बदला है। तो वो हम समझेंगे फिजिकल, ह्यूमन या रीजनल सिस्टमैटिक की, देखा जाए तो रीजनल और सिस्टमैटिक पे ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेस्ड हैं, ठीक है। और फिर यानी पैराडाइम शिफ्ट्स देखेंगे, पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी देखेंगे, और यही इसी की बात करी थी हम, जिसको छूते नहीं है, इसको हम लोग को ध्यान देना होगा। किसको, पॉजिटिविज्म तक तो हम पढ़ लिए 1960s 1950s, ठीक है। बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, वेलफेयर ज्योग्राफी, आइडियलिज्म, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ज़्यादा टच नहीं करते, बट इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो कैसे कोई चीज़ डेवलप हुआ, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज भी जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इन्होंने यहाँ पे इलेक्टोरल ज्योग्राफी को भी ऐड किया। देखिए इलेक्शन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो पूरा संविधान है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा इतना बड़ा जो डेमोक्रेसी है हमारा, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इलेक्ट करते हैं एक नेता हमारे को जो लीड कर रहा है, मैंने बहुत ही बड़ी किस तरीके से हमारा काम होता है, हमारा कास्ट कैसे काम कर रहा था, वो क्या क्या इम्पैक्ट करे, वही बोला कि पावर डायनामिक्स सब कुछ लीड करता है स्पेस को। स्पेस को हम अगर समझेंगे तो पावर डायनामिक्स देखेंगे, वहाँ पे हम इलेक्टोरल ज्योग्राफी के पार्ट को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं डिवीजन ऑफ मैनकाइंड की बात है तो रेस की बात होती है, रेशियल ग्रुप्स देखेंगे हम, रेशियल ग्रुप्स, और फिर हम लोग अडाप्टेशन देखेंगे। यहाँ पे मेन हम ज़्यादा फोकस करेंगे लैंग्वेज पे, रेस पे, कल्चरल ज्योग्राफी के भी कुछ आपके थ्योरीज होते हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ट्राइब्स है, क्योंकि सिर्फ रेस से नहीं होता, लैंग्वेज भी हमें देखेंगे जहाँ पे लैंग्वेज और रेस, तो हमें ट्राइब को भी समझना होगा, क्योंकि ट्राइब आर लाइक द इंडिजिनियस थिंग, जो वहाँ का है, आलू विदेशी है, हाँ याम यहाँ का है, तो वो यहाँ की चीज़ों को समझना हमारे जो फाउंडेशन में है, वो रूट्स को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। ट्राइब्स को हम रिलेशन में कैसे पढ़ेंगे, रेस को, ट्राइब्स को रेस के साथ और आपके लैंग्वेज के साथ हम पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं, वहाँ पे फैक्टर्स, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़्यादा मैं आप लोगों को बोलूँगी सेंसस के थ्रू हम देखेंगे, लेंस रहेगा सेंसस, सेंसस का लेंस रहेगा, और इस चीज़ को हम लोग सेंसस के थ्रू देखेंगे। और सिर्फ याद नहीं करना, चीज़ें अब बदल चुकी है, यहाँ पे सेंसस के भी बहुत अच्छा एक चीज़ है कि वो क्राइटेरिया बेस्ड है, क्राइटेरिया जानना चाहते हैं कि आपको ध्यान है कि क्यों, किसको हम सबको क्या कर ले रहे हैं, सबको हम सेंसस ले ले रहे हैं, ऑब्वियसली सब है, सेंसस इज़ लाइक कि आप कोई सैम्पल बेस्ड नहीं होता है, पर वो क्या क्राइटेरियाज है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, तभी हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी हम प्रॉपरली समझेंगे, क्योंकि हम इसके लेंस से देखेंगे, ठीक है। माइग्रेशन की बात करते तो अभी माइग्रेशन का अभी जस्ट रिपोर्ट आया है, और माइग्रेशन का रिपोर्ट लाइक 5 साल में आता है, और उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि पलायन हो रहा है पर कहाँ से क्यों हो रहा है, हम ये भी जानते हैं कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है शादी के बाद गांव में, पर चीज़ें अभी बहुत बदल रही है। मैं अपने रिसर्च की बात करूँ तो मेरे वहाँ पे जो फार्मर्स है, वहाँ पे यंग फार्मर्स अब नहीं है, वो सारे पलायन कर चुके हैं शहरों में, तो वो चीज़, वो जो बदलाव आ रहा है समय के साथ क्यों आ रहा है, वो चीज़ को समझना ज़रूरी है। माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरीज और जो पॉलिसीज़ है उसको भी समझना ज़रूरी है, तो हम वहाँ पे ही हम अर्बन ज्योग्राफी को भी ध्यान देंगे, क्योंकि अर्बन ज्योग्राफी का हमने पहले देखा कि के पर्सपेक्टिव से भी देखा, और हम लोग माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन कैसे चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न्स और कैसे मोड़ रही है ना, टटोल रही है चीज़ों को। हमने इलेक्टोरल ज्योग्राफी की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, ये आपको रिसोर्स का हमने पहले ही बात किया है कि जैसे हमने इंडिया का पढ़ा है उस तरीके से हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स हम देखेंगे, स्टेट इंडिया फॉरेस्ट, यूएन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इंडियन मिनरल बुक। यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी। जैसे हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा वैसे ह्यूमन का भी देख रहे, तो हमने जो जो पहले चीज़ों को कवर किया वो सारी चीज़ें कल्चर लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें डील कर रही होती है चीज़ों को किस तरीके से हमारा इंडिया का जो ह्यूमन का जो पर्सपेक्टिव, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बॉल है उसको समझने के लिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो सेक्टर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सेक्टर्स पे बहुत ध्यान देना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है पर ये हम लोग भूल जाते हैं कि क्विनरी में क्या आता है, क्वार्टनरी में क्या आता है, तो चीज़ों को ध्यान देना होगा हमें सेक्टर्स पे। एग्रीकल्चर का हम ध्यान देंगे कि कहाँ प्लांटेशन, कहाँ प्राइमरी क्रॉप्स, कौन से फील्ड क्रॉप्स होते हैं, कौन से मेजर क्रॉप्स होते हैं, कैसे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चीज़ों को हम ध्यान देंगे और कैसे वो बायोम से रिलेटेड है ये भी हम देखेंगे। माइनिंग इकोनॉमी देखेंगे, माइनिंग एक बहुत ही ग्रेव विषय है जहाँ पे हमें ध्यान देना जरूरी है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और कैसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कैसे हम इन रिसोर्सेज को भी माइंडफुली इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ को हम ध्यान देंगे और ये देखेंगे हमारे इंडिया में कैसा है और वर्ल्ड में कैसा है उस स्तर पर। फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज की बात करें तो कैसे चीज़ें पहले के रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है उन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, तो वही जैसे हमने फूट लूज देखा तो कहीं ना कहीं हमने यहीं पे थ्योरीज भी पढ़ेंगे, वेबर की पढ़ेंगे, है ना, आपके वॉन थुनिन की पढ़ेंगे, सारे हम देखेंगे। नेचर एंड ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे कि ट्रेड में ये इस पर भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, हमारा किस तरीके से जो ज्योग्राफी है हम लोग का, हमारे डिमांड्स क्या है, हम लोग जो अलग अलग कल्चर्स है उनके डिमांड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी भी आ जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अल्फा बीटा गामा के जो कैलकुलेशंस हैं उनको भी हमें ध्यान देना होगा, किस तरीके से डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ वही नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें इंकॉर्पोरेट हो चुकी है। टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे टूरिज्म का क्या तरीके से बाहर से इंटरनेशनल जो आ रहे हैं वहाँ से उनका क्या अंतर है, क्या बोलते हैं, कितना परसेंटेज टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट है या फिर उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे यहाँ पे कैसा तरीके से कौन से फ्लाई एयरपोर्ट्स में क्या क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज़ हम देखेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट की बात करें, अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हम लोग जनरली यही हम जानते हैं कि सेंसस देखते हैं, डेंसिटी, लिटरेसी, पॉपुलेशन, पर सेंसस के हम क्राइटेरिया और टेबल सीरीज हम छोड़ देते हैं, रेस छोड़ देते हैं, लैंग्वेज छोड़ देते हैं, डेफिनेशंस छोड़ देते हैं टर्मिनोलॉजीज की, इसको ध्यान देना होगा हमें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम सिक्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विटल से का एग्रीकल्चर रीजन भी बहुत ध्यान रखना है, ये सिर्फ कन्वेंशनल नहीं ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये वैसे आता है और इसको ही हम ध्यान देंगे। और जो हम ध्यान नहीं देते वह सी रूट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मैंने ये कब एस्टैब्लिश हुआ, क्यों हुआ, वहीं क्यों हुआ, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। SEZs का भी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब चीज़ें ग्लोबलाइज हो चुकी है और बहुत समय हो चुका है ग्लोबलाइजेशन को, तो चीज़ें बहुत बदल चुकी है, कैसे हम लोग भी डेवलप करें, हम कैसे चेंज करें वो भी मैटर करता है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो हम लोग जनरल रिपोर्ट्स हमें पढ़ रहे हैं, रीजनल ब्लॉक्स भी पढ़ते हैं, पोटेंशियल एंड प्रोडक्शन भी देखते हैं, तो जो हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं वो रिपोर्ट्स में भी, कौन से रिपोर्ट्स नहीं ध्यान देते, ग्लोबल इंडिया शिपमेंट्स का नहीं देते, इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमको देखना होगा कि हमारा जो पूरा हमारा जो इंसान है वो कैसे ड्रिवन है चीज़ों से, इकॉनमी से कैसे ड्रिवन है, वो सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज को हम लोग सिर्फ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से नहीं देखेंगे, हम ये सब चीज़ों से भी देखेंगे, टूरिस्ट का भी देखेंगे, एयरवेज देखेंगे और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट की बात करें तो हम स्कॉलर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, बुक्स भी देख लेते हैं, एवोल्यूशन क्या है ज्योग्राफी का वो भी देख लेते हैं, बट ज्योग्राफिकल थॉट का हम कून का पैराडाइम शिफ्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ते, हम बस देखते हैं कि वो एक ग्राफ है वो कैसे चेंज हुआ है बस वो समझने के लिए, पर उस थ्योरी को भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसके डेफिनेशन और क्राइटेरियाज भी पूछे गए हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्ट आइडियाज़, प्रैग्मेटिज्म, फेमिनिज्म, वेलफेयर ज्योग्राफी, आइडियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, इनको हमें और भी अच्छे से एकदम मजबूत कर लेना है हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात की जाए तो DTT, रूरल अर्बन सेटलमेंट्स, टाइप्स एंड द एवोल्यूशन, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। जो हमें ध्यान देना है वो एज सेक्स पिरामिड पर, ह्यूमन सेटलमेंट के टाइप पर, रूरल अर्बन दोनों पूछे जा रहे हैं और हमें समझना होगा कि सेटलमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, राइट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा हो रहा है हर जगह देखना है, इंडिया और ग्लोबल लेवल दोनों पे देखना होगा, ठीक है। और थ्योरीज तो हमें पढ़नी ही है और वी विल डिस्कस विच थ्योरीज। कमिंग टू ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, तो वो भी चार भागों में डिवाइड की गई है, कार्टोग्राफी, सर्वेइंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड रिमोट सेंसिंग इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी नया है, पर अब नया नहीं है, यही हम लोग का ड्राइविंग फोर्स है देखा जाए तो, ठीक है। तो
देखा जाए कार्टोग्राफी में पूछा जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैप साइन जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा. तो देखा जाए मैप साइंस समझने के लिए एलिमेंट्स को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मैंने पार्ट है क्योंकि स्केल ही मैप मेकिंग में सारा मूल वही है. ठीक है, तो किस तरीके से स्केल डिसाइड किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो तीन टाइप के स्केल्स होते हैं ग्राफिकल है ना, किस तरह से चीज़ें को मैंने उस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है वो चीज़ को समझना, किस तरह से एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन किया जाता है वो भी हमें समझना होगा, टोपोशीट्स को समझना होगा, मैप के कंपाइलेशन और जनरलाइजेशन को भी मैनिपुलेशन को भी समझना होगा. जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोजेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट परस्पेक्टिव कि आज के टाइम में हम उस प्रोजेक्शन को कौन से प्रोजेक्शन को इस्तेमाल किया जाए कि हाँ हमने पढ़ते हैं मर्केटर मॉलवीड्स वगैरह सब पढ़े हैं पर कौन सा प्रोजेक्शन कब यूज़ होगा और क्यों यूज़ होगा वो क्राइटेरियाज वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखना होगा और क्यों होगा उसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे. ठीक है, अब कमिंग टू मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ, तो हश्योर हो गया, शेडिंग हो गया, शेडिंग यूज़ हो रहा है, आइसोप्लेथ हो गया, तो वो जो मैंने पहले आपको ट्री मैप दिखाए थे तो ट्री मैप कैसे थे कि वो ज़्यादा थे तो वो डार्क शेड थे, कम थे तो उनका लाइटर शेड हो गया था, पर वही एक कलर का शेड इज डिफरेंट थिंग टोन. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए ये क्या डिफरेंस, शेड में क्या डिफरेंस है, टोन में क्या डिफरेंस है. कलर वो था ब्लू, उसके शेड्स डिफरेंट होते गए और लाइटर शेड्स में हम जाने लगे, तो दैट इज़ द की टू आइसोप्लेथ. तो वैसे ही हम लोग ये सब देखेंगे कि कैसे बनता है शेडिंग वगैरह, कॉन्टूर्स कैसे होते हैं, कॉन्टूर का इंटरपोलेशन, प्रोफाइल वगैरह देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल देखेंगे, ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल किस तरीके से बनता है, टोपोशीट्स हम यहाँ पर ध्यान देंगे और टोपोग्राफिकल शीट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, लेजेंड्स में क्या इस्तेमाल होते हैं उस भी हम ध्यान देंगे. ठीक है, और कौन से टोपोशीट्स हैं इंडिया के, कितने टोपोशीट्स हैं, कैसे डिविजन्स हैं, किस तरीके के उनके क्राइटेरियाज हैं उसको भी हम समझेंगे. ठीक है, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा. अब यहाँ वेदर डेटा की बात की जाए तो यहाँ पर क्लाइमोग्राफ और हिदोग्राफ की बात की रहे, आइसोथर्म हो गए आपके टेम्परेचर को देखते हुए, आइसोबार्ड हो गए आपके के आइसो जितने हैं ना, आइसो लाइन, आइसो बार्ड, आइसोथर्म, आइसो हाइट्स, ये सारे आइसो वाले हमको सिर्फ याद नहीं करना, हमें समझना है कि क्यों आइज़ो और किस तरीके से बनता है चीज़ों को भी समझना जरूरी है. प्रिपरेशन ऑफ वेदरिंग मैप्स हो गए, सिंबल यूज्ड इन वेदर मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेली वेदर, सिर्फ ये क्लाइमेट की बात नहीं किया, डेली वेदर की भी बात की, तो वो भी हम समझेंगे. मैपिंग टेक्निक्स देखेंगे किस तरीके से होते हैं, डॉट, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ मेथड्स, डेसीमेट्रिक, एसीमेट्रिक, ये सारे हम चीज़ देखेंगे. ठीक है, सर्विंग टेक्निक्स की बात की जाए तो टेक्निक्स इन फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फील्ड्स एंड चेन एंड टिप्स, तो एक है आपका जो हम फील्ड में करते हैं, ठीक है, और एक है इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंटल एक तरीके से अब हिस्ट्री होता जा रहा है पर उसमें फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीपीएस का पार्ट, जीपीएस को समझना बहुत ज़रूरी है. जीपीएस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ऑल द इंस्ट्रूमेंटल में भी जीपीएस काउंट किया जाता है. और यहाँ पे हम देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे देखेंगे, लेवलिंग टेक्निक्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विंग, थियोडोलाइट और जैसे डंपी लेवल हो गया, ये सब वगैरह को कैसे किस तरीके से काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. टेक्निक इन फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फील्ड की बात करें तो डेटा कलेक्शन मेथड्स हो गए. अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपके रिसर्च का मूल है. हाँ, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, आप जो मास्टर्स करने जा रहे हैं, आप वहाँ पे डिसर्टेशन करेंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे, तो आपको बेसिक स्टैटिस्टिकल मेथड का ज्ञान होना ज़रूरी है, उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि क्या चीज़ कब इस्तेमाल होगा और क्यों होगा वो चीज़ को हम समझेंगे. सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, सैम्पलिंग आप पूरे पॉपुलेशन में सेंसस 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 10 क्या अभी 14 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, बहुत पैसा लगता है और बहुत समय की बात होता है, तो हम लोग सैम्पल के ही बेस पे करते हैं, तो कैसे टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, उन टेस्ट को सिग्निफाई कैसे हम उसको वैलिडेट करते हैं वो चीज़ को देखेंगे, एरर्स देखेंगे. ठीक है, कौन से टेस्ट होते हैं, हम रिग्रेशन देखेंगे, कोरिलेशन देखेंगे. कमिंग टू रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो यहाँ हम देखते हैं इसको हम तीन भाग में बांट लेते हैं. रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे EMR आएगा, सेंसर आएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ जीआईएस देखेंगे, तो स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा, वेक्टर, रास्टर वगैरह हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, उनका एप्लीकेशन देखना ज़रूरी है कि कौन से जगह रास्टर इज़ ओके एंड कौन से जगह वेक्टर इज़ ओके, तो ये चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है. एप्लीकेशन को हमें एक अलग तरीके से पढ़ना होगा. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, तो यहाँ पे GPS की बात कर रहे हैं और GPS अभी बहुत बदलता जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बहुत सारे स्टडी मेथड्स में. यू डोंट नो, पता है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पे भी रिसर्च हो रहे हैं और वहाँ पे GPS का कितना बड़ा
रोल प्ले हो रहा है. तो GPS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ इंटरनेट नहीं है, आप कहीं पे भी पहाड़ में GPS काम करेगा. सैटेलाइट्स आपको बस होता है कि GPS एक ऐसा साधन है जो आपको इस इंटरनेट की दुनिया से आप दूर भी रहते हैं ना, तो आपको रास्ता दिखा देगा. गूगल मैप्स की ज़रूरत नहीं. वो बहुत ही कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो हम अभी देखेंगे, GPS का भी देखेंगे. कमिंग टू कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स, EMR हो गया. आज एन जीएस में हम क्या देखते हैं, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स पढ़ते हैं, सिक्वेंस पढ़ते हैं, RSGIS का जो वर्क होता है साथ, मैंने स्टेशन में कैसे सेंसर लेता है फिर वापस आता है, इस तरीके की चीज़ें, रास्टर एंड वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, कौन से स्पेशल स्पेक्ट्रल टेम्पोरल है ना, और ये सारे जो हम पढ़ते हैं सेंसर हो गए सैटेलाइट्स. जो हम नहीं पढ़ते हैं वो है मेथड्स इन GIS, ओवरले, एरर्स इन GIS के एक्शंस, नेटवर्क एनालिसिस, बफर एनालिसिस, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन जो होते हैं इन डिजिटल इमेजेस, सुपरवाइज अनसुपरवाइज जो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं LULC के लिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते, इनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात करें तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन पढ़ते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह वगैरह, इनके फॉर्मूला और एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं, और ये और बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए. पर इनका एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्मूला इस एलिमेंट की जो एप्लीकेशन है उसको हमें ध्यान देना होगा, टेस्ट का एप्लीकेशन ध्यान रखना होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा टेस्ट लगेगा, कौन सी जगह पे रिग्रेशन लगेगा, कौन सी जगह पे क्या एलिमेंट्स लगेंगे कि हमको वो चीज़ ध्यान हो, तो वो एप्लीकेशन पे हमें काम करना होगा. कमिंग टू सर्वेइंग टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे, हम डंपी लेवल, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल सर्वे, चेन टेप सर्वे और प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चनेयर, हम ये सब सारे देखते हैं. जो हम नहीं ध्यान देते वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स एंड सर्वे, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, कैसी चीज़ें डिटरमाइन, वही मैं बोलूँ क्राइटेरिया बताओ जी, क्यों हो रहा है वो चीज़, कैसे हो रहा है वो चीज़, और वही क्या चीज़ कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, 4W1H की बात कर रही हूँ मैं. कार्टोग्राफी की बात की जाए तो प्रोजेक्शन मैप्स के लिए हम पढ़ते हैं, रिडक्शन एनलार्जमेंट भी देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, टोपोशीट इंडिया का देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल एंड रिवर देखते हैं, पर हम जो देखते नहीं है वह प्रोजेक्शन, स्टैंडर्ड पैलेस एंड एप्लीकेशन, जो भी प्रोजेक्शन है उसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ क्यों ही यूज़ होगा, वो चीज़ हमें ध्यान देना है, टाइप ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, हम देखेंगे मॉडल्स एंड थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हैं, पर ये जो मेन मेजर है वो हमें देखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी में है अर्थ ओरिजिन थ्योरी जो है, मोनिस्टिक एंड डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय टेलर एंड वैगनर, प्लेट टेक्टोनिक्स, जियोसिंक्लाइंस के जो थ्योरीज है, माउंटेन बिल्डिंग के जो थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, डिक्लाइनिंग रिप्लेसमेंट और पैरेलल रिट्रीट, कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन थ्योरीज है, ट्राइसेल्यूलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, कोपेन एंड थॉर्नफेट का. और जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर DTT पढ़ेंगे, DTT इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसका, माल्थस, सैडलर, रिकार्डो, माइग्रेशन मॉडल्स, रेवेनस्टीन के लॉ ऑफ माइग्रेशन, ग्रेविटी मॉडल ऑफ राइली, स्टूफर्स थ्योरी ऑफ मोबिलिटी एंड लीज थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, गॉर्डन चाइल्ड, हेनरी पायरीन, लुईस मम्फर्ड, इनका हम देखेंगे. लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी को हमें पढ़ना होगा कि कहाँ एक्चुअली इसका एप्लीकेबल है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक्चुअली में इंडिया में प्राइमेट सिटी है कि नहीं, ज़रूर आप देखिएगा होती है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा अगले क्लास में. रैंक साइज रूल की बात करते हैं, फिर जो ज़िफ का है, फिर है सेंटर प्लेस थ्योरीज, क्रिस्टॉलर और लॉश का, फिर है मेथड्स ऑफ डिलिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स, वीवर, डो या रफीउल्लाह का. ठीक है, ये लाइन से दिया है, ये क्रोनोलॉजी में ही दिया है, नहीं सॉरी, रफीउल्लाह पहले आएंगे. वॉन थुनेन्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, विटल से क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ईएम हूवर, ऑगस्ट लॉश, यही ऑगस्ट लॉश यही है. ठीक है, एलन प्रेट, DM स्मिथ का. मॉडल्स ऑफ स्पेशल इंट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ई उलमन, ग्रेविटी मॉडल, पोटेंशियल मॉडल, रिटेल मॉडल, स्पेशल फ्लो मॉडल. ठीक है, यहाँ थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट की बात करें तो हर्शमैन की हो जाती है, इट इज़ ए, मिडाल्स की और जॉन फ्रीडमैन और रॉस्टोस की हो जाती है डेवलपमेंट वाली, मैकिनन्स, हार्टलिन थ्योरी, स्पाइकमैन का रिमलैंड थ्योरी एंड मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज, बर्जेस, हैरिस, उलमन, हॉयट एंड आलोंसो का. ठीक है, तो ये सारे हमारे मॉडल्स एंड थ्योरीज है जिनको हमें देखना होगा. तो एक देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग के, बहुत ही सिंपल लगेंगे बट आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगी वो बहुत ही ज़्यादा आई होप आपको हेल्पफुल होगा. तो लेट्स सी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन है, रूरल जेंट्रिफिकेशन इज एसोसिएटेड विथ, पहला ऑप्शन है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यूज इन द फ्रेंच, सेकेंड है सोशो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू द इमिग्रेशन टूवर्ड्स रूरल एरियाज, थर्ड है सोशो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू द इमिग्रेशन टूवर्ड्स रूरल एरियाज एंड नन ऑफ द अबव. चलो क्वेश्चन को समझते हैं, रूरल जेंट्रिफिकेशन, चलिए ठीक है रूरल की बात करें, जेंट्री का क्या मतलब होता है इसको देखना होगा, इज एसोसिएटेड विद, देखा टर्म का आपको कॉन्सेप्ट जरूरी समझना है कि डेफिनेशन क्या होगा, जेंट्रिफिकेशन मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यूज इन द फ्रेंच,
क्या लैंड यूज़ जो फ्रिंज एरियाज़ है, जो रूरल, जो आपका एक तरीके से जो फ्रिंज होता है, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रूरल फ्रिंज, अर्बन फ्रिंज की बात करेंगे, तो क्या वहाँ पे जो डिग्रेड हो रहा है लैंड यूज़, वो उसको बोलते हैं रूरल जेंट्रिफिकेशन? सोशियो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू इमिग्रेशन टूवर्ड्स रूरल एरियाज़, तो ये क्या सोशल और कल्चरल एक इम्पैक्ट डाल रहा है कहीं ना कहीं, जो इमिग्रेशन हो रहा है, जो उधर जा रहा है वहाँ पे, जो पॉपुलेशन जो रूरल अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जा रही है, ये बता रहा है कि थर्ड वाला सोशल कल्चरल कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू दी इमिग्रेशन टूवर्ड्स रूरल एरियाज, तो ये क्या हो रहा है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का, प्लीज़ कोई बताएगा कि क्या होगा एक्सप्लेनेशन? आपको ये ध्यान रखना होगा, बहुत छोटा सा ई और एम का अंतर है, ठीक है, ये है उस तरफ जाने का, राइट, इमिग्रेशन है उधर जाने का, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों जगह टू वर्ड्स लिखा है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि आई का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, या नन ऑफ द अबव है। इसका आंसर है सेकंड, सोशियो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू इमिग्रेशन टूवर्ड्स रूरल एरियाज, उधर जो इमिग्रेशन हो रहा है। एक्चुअली रूथ ग्लास जो थी उन्होंने कॉइन टर्म किया था जेंट्रिफिकेशन का, एक सोशियोलॉजिस्ट थी, और डिस्क्राइब करती है रीडेवलपमेंट प्रोसेसेस इन विच मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मूविंग टू एंड चेंजिंग लंडन वर्किंग क्लास नेबरहुड्स। तो ये जो एक्चुअली जेंट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है हम देखते हैं, जेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है अपर क्लास, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये एक ना सोशल स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी चीज़ें होती है, पर जैसे ही आपका डिमांड जैसा होगा वैसे आपको चीज़ें वहाँ पे मिलने लगेंगी, यही तो है, इसे डिमांड और सप्लाई का काम तो ऐसे ही चलता है। तो होता क्या है, जो आपके जो अर्बन एरियाज़ में रहते थे, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जैसे हो गया रिटायरमेंट हो गया, या फिर और दूसरी चीज़ें, तबीयत नहीं सही है उनको, सिटी कहीं ना कहीं भा नहीं रही है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो सिटी के लोग वो चले आते हैं रूरल एरियाज़ में, बट दे हैव डिमांड्स, वो ऑनलाइन डिमांड्स या फिर कोई भी तरीके की चीज़ें डिमांड्स होती है, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर चेंजेस होती है, मॉडिफिकेशन होती है और अपग्रेडेशन होता है करेंट स्टेटस का। तो होता क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं वो चीज़ शायद वो अफोर्ड नहीं कर रहे, और उस वजह से सर्टिफिकेशन हो रहा होता है। तो एक्चुअली सुनने में लगेगा कि वहाँ तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर हम ये कल्चरल परस्पेक्टिव या सोशियो परस्पेक्टिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सेग्रीगेशन क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिटायरमेंट लाइफ, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो ये एरिया तो डेवलप हो रहा है पर लोग उसके वजह से सफ़र कर रहे होते हैं। तो रूरल जेंट्रिफिकेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, वो एक्चुअली जेंट्री का मतलब होता है अपर क्लास। तो वो जो रूरल एरिया को हम लोग एक्चुअली सोचते हैं कि वहाँ पे सीधी सादी जीवन होती है, वो चीज़ों में बदलाव जो होते हैं वो अपलिफ्टमेंट ही हो रहा होता है, पर कहीं कहीं सोशल स्ट्रक्चर में चीज़ें बदलने लगती है, तो वो चीज़ है रूरल जेंट्रिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड है विच इज़ एन इंटर कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन, इंटर कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट आपका ये जो है ये थोड़ा मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं हो रहा है, ठीक है, यूरोप है यहाँ पे, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, है ना, यहाँ हमारा इंडिया है प्यारा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब ये तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, राइट, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब होगा ये एक कॉन्टिनेंट पे बेस ना हो। क्या वो साफ्टा है कि लाफ्टा है? साफ्टा मतलब SAFTA LAFTA कॉमनवेल्थ है या EFTA है? तो ये चीज़ आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम भी उसके पार्ट है, तो वो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वो ऐसा क्या बोलते हैं ऑर्गन एसोसिएशन है जहाँ पे जो भी कॉलोनीज थे पहले ब्रिटिशर्स के, वो सारे एक साथ है टू सेलिब्रेट डेमोक्रेसी, एंड एक तरीके से पट्टी लगाई जा रही है, और ये बहुत ही, पर एक बहुत ही अच्छा तरीके स्पोर्टिंगली चीज़ों को लिया जाता है, इसलिए हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हम देख लेते हैं साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो ये सार्क के अंडर ही आता है, ये एक तरीके से एक इनिशिएटिव है, फ्री ट्रेड है, जो भी कॉन्टिनेंटल होते हैं एसोसिएशंस उनके क्या होते हैं कि फ्री ट्रेड की बात हो रही होती है, जैसे EU में भी ऐसा है आप जानते हैं, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, ये जो है, और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो कॉमनवेल्थ है उसमें एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 56 मेंबर कंट्रीज़ का, मोस्ट ऑफ विच आर फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितने सारे ट्रेड ब्लॉक्स है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ और क्यों ही चीज़ डेवलप हुई और कौन से ईयर में हुई, वी विल कम आफ्टरवर्ड्स। तो यूरोपियन यूनियन, EFTA, कॉमकॉन, एक ऐसा है कि काउंसिल ऑफ फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, अब वो नहीं है,
ये अब डिफंक्शनल है, रशिया में था, ठीक है। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ पे आता है कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके में हैं और वहाँ पे क्यों ही वो डेवलप हुआ है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि हमें जानना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो हमने अपने कॉमनवेल्थ देखा कि वो सबसे ज़्यादा है, और यहाँ का इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यूरोपियन यूनियन का देखा जाए तो 27 कंट्रीज़ है, जहाँ पे कुल मिला के 44 कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे हाफ से थोड़ा कम है देखा जाए तो, कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं इनके साथ। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ है 27। हाँ, उससे सेकेंड में एक्चुअली था OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितने है कॉमनवेल्थ में थे, और 27 है यूरोपियन यूनियन में, वो थर्ड नंबर पे है। फिर आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर पे है एक्चुअली किस में, नाटो में है। और नाटो का आप जानती है कि अभी एट द मोमेंट कितना ज़्यादा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज जो यूक्रेन है वो चाहता है कि नाटो में जुड़ जाए, और रशिया के साथ जो हमारा अभी दिक्कत है उन लोगों का, वो चीज़ें नाटो बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस में है, तो हमको नाटो के बारे में जानना ज़रूरी है। क्या हेडलाइंस में ये भी जानना ज़रूरी है, सार्क, बीमस्टेक आप देख सकते हैं, लाफ LFTA, एसियान, साप्टा, सागर एक अलायंस है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनर्जी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड टूरिज्म, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच में है। बिमस्टेक है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पे भी इंडिया है। इंडिया भी किसमें, ये भी हम ध्यान देखेंगे। OPEC हो गया पेट्रोलियम वाले, तो ये भी ध्यान देना, पेट्रोलियम जो नहीं चला, जो इससे जुड़े नहीं है वो भी कौन से कंट्रीज हैं, वो भी हमें ध्यान देना होगा कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी आपको रिलेट करना होगा कि कौन से नहीं है वो भी अच्छा एक्सपोर्ट करें, वो चीज़ हमें ध्यान देना होगा कौन से कंट्रीज है, ये भी देख लेंगे। OECD हमने देखा, CIS हो गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना। इसके बाद ये आपका हो गया APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई 5, फॉर्मर नेम ऑफ SCO था, पहले शंघाई 5 बोला जाता था, उसको भी हमें पता होना चाहिए कि शंघाई 5 बोला जाता था, और अब है वो SEO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो कब हुआ वो हम भी देखेंगे। अभी SCO में है आपके 8 मेंबर्स है, पहले 5 मेंबर्स थे, तो मेंबर्स बढ़े हैं। नाटो हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सार्क हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी और ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी याद करनी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ अ हंटिंग एंड गैदरिंग रीजन, ये उससे आ गया हमारे विटलसे के क्लासिफिकेशन से आ गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी बहुत रेपिटेशन में क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सी जगह पर हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं होती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग होती है, रीजन्स अ हंटिंग एंड गैदरिंग रीजन क्यों हो सकती है, हमको याद रखना होगा एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी, अगर हमें पता भी नहीं है ना हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए कैसे, कैनेडियन तुंद्रा काफ़ी ठंड वाली जगह लग रही है सुनने में, अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन हम जानते हैं रेन फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की कितनी प्रॉब्लम है। मलाय कौन सा है आपका, जो मलेशिया वाला बेल्ट है, वो भी क्या बोलते हैं रेन फॉरेस्ट रीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आंसर मिल रहा है बहुत आसानी से, हमने रिलेट किया, मुझे पता नहीं है फिर भी मैं रिलेट कर सकती हूँ, राइट। वैसे तो ऑल ऑफ द अबव होगा, कैसे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेजर रीजन्स ऑफ हंटिंग गैदरिंग ये वगैरह हो गए, कैनेडियन तुंद्रा एस्किमोज़ हो गए, है ना, वहाँ पे ये वाले रहते हैं, ये ग्रुप रहता है वहाँ पे कैनेडियन तुंद्रा में, कौन रहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन रहते हैं, कौन से लोग वहाँ पे रहते हैं, कौन से ट्राइब्स जो हम लोग बोलते हैं ना उसी तरीके से, ठीक है। साइबेरियन टुंड्रा एंड तेगा में समायड्स, तुंगुस, याकुट्स, युकागिड्स, ठीक है। अर्जेंटीना एंड चिली में यह गांस, अमेजॉन बेसिन में अमरेन, जागुआ, जिवारो, ठीक है। हम इसको बहुत अच्छे से, मैं और प्रॉपरली इसका एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम लोग फिर समझेंगे, ठीक है। कॉन्गो बेसिन एंड बुशलैंड, ठीक है, वहाँ पिग्मीज हो गए, बुशमैन हो गए, ठीक है। और मलाय में हो गए सिमांग्स एंड सकाई ट्राइब्स हो गए, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं कि क्यों, ठीक है। हम देख सकते हैं कि कैनेडियन टुंड्रा मैंने देखा रीजन हो गया, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ हो गए, हम जानते हैं रीजंस क्या है, हार्श एनवायरनमेंट है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड आइस लिमिट एग्रीकल्चर, हंटिंग गैदरिंग आर अडेप्टेड टू दिस क्लाइमेट, ठीक है। साइबेरियन तुंद्रा एंड ताइगा है तो स्पार्स वेजिटेशन है, कोल्ड क्लाइमेट एंड परमाफ्रॉस्ट मेक एग्रीकल्चर डिफिकल्ट, भाई सेडेंट्री एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल हियर। प्रॉब्लम यही है कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वहाँ पे ही हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही है, तो ये हम देखेंगे। स्पार्स वेजिटेशन, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, क्या है अर्जेंटीना एंड चिली, हाँ, हाई रेनफॉल एंड डेंस फॉरेस्ट है, अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग सपोर्टिंग अ हंटर गैदरिंग सिचुएशन। अमेजॉन बेसिन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अर्जेंटीना और चिली में क्या था, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट था, अमेजॉन बेसिन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कॉन्गो बेसिन में बुशलैंड में डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पे भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है। आपके यहाँ पे मलाया में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ये सारी दिक्कतों की वजह से नहीं होता, तो रीजंस हमें पता होना चाहिए। और जब हम वो पढ़ते ना क्लाइमेट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है,
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हंटर और फूड गैदरर्स कौन से एस्किमोज हो गए, है ना, एस्किमोज ग्रीनलैंड के है, अलास्का के है, है ना, पिग्मीज हो गए कॉन्गो के, फिर अंडमान आइलैंड्स है, रुख है थाईलैंड के, ऑस्ट्रेलिया अबोरिजिन्स है, ये सारी चीज़ें ये कहाँ पे है, क्यों है, तो हमें ये देखना होगा कि हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है एंड हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट है, ये रीजंस, ये देखा हम रिलेट किए कि एनवायरनमेंट वो क्लाइमेट कैसा होगा, कि क्यों ऐसा हो रहा है, इक्विपमेंट नॉन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, वेरी इजी, हम बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़ मैं समझाना है, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं क्यूनरी एंड क्वार्टनरी में, वी ऑल नो कि यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, बिल्कुल नहीं, कौन सा है बताइए बताइए, क्यूनरी को एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब ये इसलिए मैं रखना चाहती थी स्लाइड, ताकि ना हम लोग समझ सके कि ग्रीन ये जो कॉलर हम लोग जो रखे हैं वो सिम्बलाइज क्या करता है, तो कलर से सिम्बल्स आते हैं, ठीक है, वो कलर जो डिफाइन किया है ना कॉलर का, कॉलर मतलब होता है वो शर्ट का रंग, तो वो तरीके से वो सिम्बलाइज क्या कर रहा है और वो कैसे उससे रिलेटेड है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसको ग्रीन से दिखाया जाता है, तो ग्रीन क्यों, ग्रीन सिम्बलाइजेस ग्रोथ एंड नेचर, कि रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है उसमें ब्लू कलर से होता है, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम कौन से वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लू रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी अलाइंस विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। टर्शरी एक्टिविटीज़ रेड, रेड इज़ वाइब्रेंट एंड डायनामिक, ठीक है, कलर में आप एक कलर के साथ आप एसोसिएशन कीजिए कि सिम्बलाइजिंग द एक्टिव रोल ऑफ सर्विसेज इन मीटिंग नीड्स एंड ड्राइविंग द इकॉनमी, ठीक है। क्वार्टनरी को वाइट से कहा जाता है, वाइट रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी एंड न्यू आइडियाज़, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज ड्रिवन नेचर। और जो क्विनरी है वो है गोल्ड, गोल्ड डिनोट्स क्या, प्रेस्टीज एंड हाई वैल्यू, राइट, तो फिटिंग फॉर रोल्स इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग एंड हाई लेवल एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वारिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जाता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स। टर्शरी में क्या अंतर आ जा रहा है, देखिए एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या एड वैल्यू कर रहा है, ये था इन्वॉल्व क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है या हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंस है कि यहाँ पे वैल्यू एड किया, उसने पहले तोड़ा उसको कैसे वो निखारा, और फिर ये जो और सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है वो है रिटेल, एडुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें आता है। क्वार्टनरी क्या है, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, ये जो हम कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, एडुकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। और क्विनरी एक्टिविटीज़ है हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकर्स आ जा रहे हैं, टॉप कंसल्टेंट्स हो जा रहे हैं, नॉन प्रॉफिट लीडर्स हो जा रहे हैं, एकेडमिक रिसर्चर्स भी क्विनरी में आते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसने किन ऑर्गेनाइजेशन से कोलाबोरेट करके इस चीज़ को मतलब काम करते हैं, वो कौन से चार ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो काम करते हैं इकट्ठे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते हैं, ठीक है, थीके? तो वो कौन से हैं, यूनेस्को, यूनेप, फाओ या यूनिसेफ, दूसरा है WRI, यूनेप, UNDP, वर्ल्ड बैंक, थर्ड है INF, UNDP, वर्ल्ड बैंक, यूनेप, फोर्थ है UNDP, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, FAO। देखिए हम सब जानते हैं HDI किसने निकाला है, UNDP ने 1990 में, राइट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पर हर एक में UNDP है क्या, नहीं, इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे तीनों में है UNDP, तो देखते हैं यूनेस्को होगा क्या, यूनेस्को इज़ रिलेटेड टू क्या, यूनेस्को इज़ रिलेटेड टू कल्चर एंड वगैरह, तो ये आई डोंट थिंक सो यूनेस्को हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो यहाँ पे यूनेस्को है, यहाँ पे यूनेस्को है, ये भी कट गया, यहाँ पे देखते कि जो एक्चुअल में आंसर आप कन्फ्यूज़ होते हैं तो बी और सी में, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं या तो रीड इट, तो पहले इसमें जो आंसर होगा वो है WRI, यूनेप, UNDP, वर्ल्ड बैंक। WRI क्या है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा प्लीज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो इस पे काम करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, वो एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट सॉल्यूशंस। तो एक्चुअली जो डेवलप किया था UNDP ने किया था 1990 में, HDI का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, यहाँ पे तीन जो इनकॉर्पोरेट इंडिकेटर्स करते हैं वो है हेल्थ का, हेल्थ लॉन्जिबिटी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे आप देखिए सेकेंड है एडुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मेन इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स हमें ध्यान रखने, ये Washington DC USA में है, नैरोबी केन्या में है यूनेप, इसका है UNDP का ये न्यूयॉर्क सिटी में, और Washington DC में वर्ल्ड बैंक का भी है, कान किन का दो लोग का है, WRI का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, ठीक है। सो
यहीं तक था आप लोग का क्लास, यही था मेरा स्ट्रैटेजी सेशन। आई होप मैंने आप लोग को प्रॉपरली चीज़ों को समझाया और हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को पंप अप करने की और हम लोग एक साथ जुड़े रहे और आप देखिए कि हम लोग साथ में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी एक बहुत ही जटिल सुनने में लगता है बट बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन है जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेयर कर लेते हैं आसपास से। तो हाँ, चीज़ें थोड़ी सी शुरुआत में मुश्किल लगेगी पर ये आसान बन जाएगा हमारा साथ। ऐसे ही बनाए रखिए, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।